सोचा क्योंकि मुझे लगता है एनिमेशन जो है आज के ज़माने में सबसे बेस्ट वे है बच्चों के आज की जनरेशन के पेनिट्रेट करने के लिए, क्योंकि शायद वो किताबें इतनी नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, तो एनिमेशन बच्चे देखना शुरू कर देते हैं. और बहुत सारे हीरो ऐसे दुनिया के हैं जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, लोग देख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं. और ये जो इस तरह की जो एनिमेशन फिल्म है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारा अपना कल्चर जो है आज की जनरेशन तक पहुँच रहा है, जो बहुत स्लो हो रहा है. और ये फॉर्म जो है मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है. और हमारे पास जो टेक्निकली अब भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत साउंड हैं, और उससे ये चीज़ें और भी बेहतर बनती हैं, देखने में और भी मज़ा आएगा लोगों को. मुझे बेहद खुशी है कि इस एनिमेशन के ज़रिए हम अपने कल्चर, हमारी जो रामायण की जो कथा है जो दुनिया भर जिसे मानती है, दुनिया मानती है, वो बच्चों तक पहुंच पाएगी. इसलिए पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. देखिए, एज ए एक्टर मुझे जो मिलता है मैं पहले तो उसको देखता हूँ. ये मुझे मौका जब मिला हनुमान जी की वॉइस देने के लिए तो मुझे बेहद बेहद खुशी हुई इस बात की, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, मुझे एक खुशी थी. कई बार आप कुछ काम करते करते कुछ अचीव कर जाते हो, जिस तरह अच्छी फिल्में होती हैं, इसी तरह मुझे जब मौका मिला कि हनुमान जी के ऊपर वॉइस देना, ये तो बहुत बड़ी बात होगी. और जो रामलीला के से लेके और घर में जो रामायण पढ़ी जाती थी, वो सब चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, महसूस की हुई हैं. मैं खुद कई बार घरों में बैठ के रामलीला का हिस्सा बन जाते थे. तो आज उसकी आवाज़ देने का जब मौका मिला तो मुझे बेहद बेहद खुशी हुई. तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरी आवाज़ जो है इस, मैं तो ये मानूंगा कि ऐसे महान शक्ति के लिए मेरी आवाज़ जो है इस काबिल समझी गई, एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात. मुझे कुछ नहीं, मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया, क्योंकि रामायण जो है मेरे अंदर रची बसी है. क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे रामलीला मेरे देखी हुई है, अभी भी मुझे पिछले 3 साल से मुझे रावण का रोल ऑफर हो रहा है जो दिल्ली में रामायण होती है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा वहाँ किसी वजह से. इस साल भी मैं नहीं जा पा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ. तो एक तो जहाँ तक समझ की बात है, मुझे पूरी समझ है इस बात की. मैंने खुद देखा हुआ है, सुना हुआ है, हमने इतना सुना हुआ है इनके बारे में और पढ़ा भी हुआ है, तो मैं कोई आउट ऑफ द वे मुझे नहीं जाना पड़ा. हाँ, यस, डायरेक्टर क्या चाहते हैं, इसमें एक शायद एक पर्टिकुलर टोन हमने इस्तेमाल किया है, वो उनको ठीक लेना चाहिए, वो जो चाहते थे. तो मुझे लगता है कि वो जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये रामायण तो मेरे अंदर रची बसी है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई करना. मैंने कहा जैसे ये बहुत ही अच्छी बात है, अब रामायण, महाभारत, चाहे बाइबल है, इनके ऊपर जब कहानियाँ बनेंगी तो आज के बच्चों को हम कैसे दिमाग में उनके पेनिट्रेट कर सकते हैं. तो एनिमेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म. और इस फॉर्म में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कि किस तरह हुआ होगा उसे बहुत 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 इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो ये जो फॉर्म अभी चूज़ की गई है, खुशी इस बात की है कि बड़ी कंपनीज लाइक कंटेलो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इसे अपना एक वो बनाया कि हम इसे बेहतर तरीके से बनाएंगे और लोगों के सामने पेश करेंगे. तो सब चीज़ें मिल के टोटलिटी में मुझे लगता है ये फॉर्म जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है. इससे हम लोग अपने कल्चर को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, आज के लोग जिस तरह देखना चाहते हैं उस तरह उनको दिखा पाएंगे. इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वेरी गुड एफर्ट. मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ. अभी पेड़ लगाने की शुरू हुई थी तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ गया था. मैं यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर गया था, मैंने भी वो किया. साफ़ सफाई में अगर कोई मुझे बुलाता है, अगर मैं उसका हिस्सा बनता हूँ, मैं भी अपने एरिया में जुड़ा था कुछ लोगों के साथ में. तो मुझे लगता है कि जो भी देखो, हमें हमारी हमारा देश जो है अभी चीज़ों को समझ रहा है. जो हम लोग यही समझ पा रहे थे कि अमीर बनना ज़रूरी है, अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है और अच्छी दुकान, अच्छा ऑफिस होना ज़रूरी है, लेकिन हम
उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। हम ये भूल गए थे कि सब्जियां हमारी कितनी फ्रेश होनी चाहिए, किस तरह हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम भूल गए थे कि खाना हमारा कितना हाइजीन होना चाहिए, हमारा स्ट्रीट फूड कितना हाइजीन होना चाहिए, उनको किस तरह सिखाना चाहिए। ये चीज़ें हम नहीं भूल गए थे। तो ये चीज़ों की हमारी समझ अभी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि टीवी के माध्यम से, जिस तरह आप कह रहे हो, बड़े लोग साथ में जुड़ेंगे, तो इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इन चीज़ों का फ़ायदा होगा।